सारी संगत गवाह है और मेरे को रिकॉर्डिंग है। वो कहिंदी मैं ये लिखती जवाब भेजांगी। वो लिखती जवाब असीं उड़ीकदे आ जी, एक महीना हो गया आए नहीं, हुण इदां दबाउण दा जतन है। असीं तां पुछांगे जाके, असीं देखदे आ लिखती पुछीए जां फिर दरवाजे जाके घेरीए, किवें करिए असीं, असीं असीं पिछे नहीं हटदे जिन्ना चिर सवाद चल। सो गुरु प्यारे, मेरी बेनती है, कल्ली जगीर कौर नहीं कुछ कर सकदी, कल्ली तखत दा जथेदार कल्ले नहीं कर सकदे, आवाज़ तुहाडी बुलंद कर सकदे है, आवाज़ तुहाडी संगतां च पहुँचा सकदे है, आवाज़ तुहाडी नूं लोकां च प्रेर के इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन तुसी जे एक एक आवाज जिहड़ी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे श्री अकाल तख्त साहिब जी दे नाल तुर के अज इह घटनावां नूं रोकण वास्ते हर थां ते पहरेदारी करो। और जिहड़ा उदन बोलिया सी ना मांझी सांझी जी है, जिहड़े विच बहबल कला, मैं कहनी असीं दोषी उह ने जिहड़ा धरना दित्ता सी। बीबी जंगीर कौर जिहड़े के ये कह रहे ने कि मांझी सांझी, वो इस तरह की शब्दावली वरत के, चलो मैनू तो चार गाला होर भी कढ लैण जे उन्हां नूं ठीक लगता, उम्र के लिहाज नाल मेरे माता तो भी वड्डी उम्र दे ने, सत्कारयोग ने, पर मैं तो वीर जी उन्हां तो पिछले दिनें जौलियां पिंड विच जदों आए बड़े रिस्पैक्टफुली तीन चार सवाल पुछे सीगे कि बीबी जी जिहड़ा ज्ञानी गुरमुख सिंह ने दस्सिया सीगा कि सानूं बादलां ने कोठी च तलब किया, ते ओह जदों उहने इह गल कही तां उहनूं दमदमा साहिब तों हटा के धमधान साहब भेज दिता, बाद विच जदों बयाना तो मुकरिया तां धमधान साहब तो हैड ग्रंथी लाता। वो एक बार तो दोनों वारियां चो एक बारी झूठ बोलिया, तो उन्हें झूठ बोलन वाले बंदे नूं हैड ग्रंथी क्यों लाया। तो दूजी गल जिहड़ा 328 सरूप श्रोमणी कमेटी के प्रबंध के अधीन छपदे ने, उहदा भी हिसाब किताब असीं कित्थों मंगण जाइए, तुसीं दस दिओ। तीजी गल जिहड़ा 90 लाख लगभग 90 लाख रुपया गुरु की गोलक विचों दिता गया जदों बिना मंगिया माफ़ी का संगत ने विरोध किया सौदा साध जी का, तो उदों इनू माफ़ी नू जायज़ ठहराने लिए गुरु की गोलक चो जिहड़ा 90 लाख वरत्या सी उहदी भरपाई कित्थों कराओगे। चौथा, मैं आ डाकूमेंट उन्हां नू सारे सौंपे दिता कि किवें 35 सरूप ते 250 तो वध पोथियां मरेकोटले इलाके चों ज्ञानी गुरबचन सिंह होरां दे हस्ताक्षर दिखा दिखा के चुकियां गईयां, तां चाहीदा सी इहो जिहे मसलियां दे उत्ते तफतीश करके। मैं 29 जून नूं उन्हां नूं इह सवाल पुछिया सीगा, अज 28 जून हो गई, पर इन्हां सवालां दा जवाब देण दी थां ते बीबी जंगीर कौर जिहड़ा कहिंदी आ वी इन्हां ने बेअदबी कीती है जां इन्हां ने बहबल कलां जिन्हां ने धरना लाया सी सिख प्रचारकां ने उन्हां वल इशारा करदी है, मेरा भाई नेम करदी है। सो मैनूं लगदा वी इह बादलकियां दी जिहड़ी पुरानी थ्योरी है उहदे उत्ते इह दुबारा काम कर रहे ने, क्योंकि 2015 दे विच वी जतन किया गया साडे वेकसूर सिख नौजवानों नूं फसाउण दा, ते अज वी उह जतन करदे ने, पर इन्हां दीआं चालां बहुत नीवें पद्धर दीआं ने, ते गुरु ते संगत सब को जाणदी है। पड़ताल करके लोकां दे सामने देखिया और असली दोषी कौन है, वह भनियारे वाले तो बाद सॉरी झूठा सौदा जिहड़ा जिहनूं राम रहीम आपां कहिंदे आ, ना वो राम ते ना वो रहीम, उस बंदे दे सारा जुल्म जिहड़ा सी उहदे इर्द गिर्द घुम रही है, सारी लड़ाई उहदे इर्द गिर्द घुम रही है, पर अज तक इसने नथ के नहीं पाई है, नहीं पा सके। क्यों नहीं पा सके? जदों इन्होंने इमीजिएट सरकार ने उस वेले रुपिंदर सिंह दा साथी फड़िया सी, वह भी तो देखो ना जो जाके धरनिया ते बह गए सी सारे, क्यों बैठे सी सारे, क्यों बैठे सी उस वेले, छड्डो छड्डो खून का प्याला लैके कहिंदे सी लैके चलिए छड्डो, नहीं तो खून के प्याले भर भर के लैके जांदे सी, दोषी कौन सी, किहदे लई खून के प्याले दिंदे सी, उन्हां दोषियां लई जिन्होंने कशहरे च पा के नेफे च पा के गुरु ग्रंथ साहिब दे पत्रे लैके गए हो, उन्हां वास्ते असीं जाके खून के प्याले दिंदे सी, छड्डो। सानू नहीं विश्वास अपनी सरकार ते, सानू नहीं विश्वास पंथ की सरकार ते, सानू विश्वास कहते सीबीआई ते, सीबीआई ते केस कहने तो आया सी बेअदबी दा, सीबीआई नू कहने तो आया सी, गल्लां ते आपां सारे ही करदे आं, असीं सारे सियाणे आं, लेकिन केस कहने तो आया सी सीबीआई नू, पड़ताल करो उदों कौन बैठे सी चौंकड़े ला ला के उत्थे जिन्हां लोकां ने हालात ऐसे बना दित्ते। ये गल्लां दा तुसीं करदे आ वड्डियां वड्डियां, जदों 1 जून नू गुरु ग्रंथ साहिब का सरूप चोरी होया सीगा 2015 च बुरजवार सिंह वाले तो, तां तुहाडी पुलिस ने स्कैच जारी कीते सी बीबी जंगीर कौर जी,
मैं तो कोई सरकार च नहीं सीगा, तुसी तो तुहाडी पुलिस ने आ स्केच जारी किए मोने मुंडिया के कि इन्हां दा हो सकता है। तो अपना 1 जून तो लैके 25 सितंबर तक या 12 अक्तूबर तक बीबी जंगीर कौर, सुखवीर या ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जवाब दिओ कि बादलों की बादल क्यों तुसी एक सिंगल भी मोने मुंडे तो कोई पुछगिछ की है। उस तो बाद 24-25 सितंबर की रात को आ पोस्टर लाए सी बुरजवार सिंह वाला तो बरगाड़ी दे विच इन्नी अश्लील शब्दावली आप कह भी नहीं सकते, उपर साफ लिखा सी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी जेड़ा 25 सितंबर तो लैके 12 अक्तूबर तक किसी एक भी डेरा प्रेमी तो पुछगिछ क्यों नहीं की गई, इन्ना इन्ना क्यों मतलब उन्होंने पुस्त पनाही करते रहे, उन्होंने फिल्मों गनमैन देंदे रहे। तो मेरे वर्गे प्रचारकों तो एस एच ओ फरीदकोट एरिए मचाकी पिंड जो मैं दवान ला के तुरदा वह कहता साढ़े इलाके बढ़ के दिखाई और जदों असी व्यदवी घटनाक्रम के उत्ते लड़ाई लड़ रहे तो मेरे वर्गे प्रचारकों मेरे नाल वीर हरजीत सिंह खड़े ने इत्थे हरविंदर सिंह खड़े ने वजीर कहना साढ़े तो इरादा कतल के परचे पाए गए, असी अमृत वेले बैठ के बाणी पढ़ रहे हैं तो साढ़े तो सुखवीर की पुलिस इरादा कतल के परचे पाँदी है। मेरे पिता जी ने उतों रात को घर चो छापा मार के जेल च भेजते हैं भी जिमें किमें चुप कर जाण, पर गुरु साहब बख्शिश करनगे, इदा तो असी चुप करने वाले है नहीं, असी तो सच इन्हों का सारा जिहड़ा सामने लियावांगे, दसांगे इन्हों दी जिहड़ियां करतूतां ने ते पंथक सफा दे विच इन्हों का कोई थान नहीं। इन्हां नूं हुण चाहिए सुखबीर नूं चाहिए कि इदा तू आ बीबी जंगीर कौर राई जां हरप्रीत सिंह होरां तों इस तरह दीआं गल्लां बातां जिहियां करवा के ना तू भुलेखा यह मन चो कढ दे, हुण पंथ नहीं प्रवान करना, हुण तू पंथ दा खेड़ा छड, हुण तू सौदा साध दी ना, वह गद्दी सांभ लै चुप करके जी।